शालोम अलेखिम, मसीह में भाइयों बहनों को प्रभु यीशु में शांति हो। आज जो हम देखने वाले हैं वो तो है टॉपिक हमारा नया जीवन। हम सभी लोग नए जीवन के बारे में जानते हैं और उसकी कई बातों को हमने डीपली स्टडी किया हुआ है, क्योंकि हमने कभी ना कभी हमारे जीवन में नया जन्म लिया, प्रभु के साथ चले और आज हम एक नई सृष्टि में जी रहे हैं जहाँ हमारा जीवन पूरा अलग है। बस उसी टॉपिक को लेके हम आज बात करने वाले हैं। आज का वचन जो हम ले रहे हैं वो है दूसरा करिन्थियंस उसका 5:17 में कहते हैं कि इसीलिए यदि कोई मसीह में स्थित है तो वह अब परमेश्वर की नई सृष्टि का अंग है, पुरानी बातें जाती रही है, सब कुछ नया हो गया है। परमेश्वर के लहू से जब हम प्रभु यीशु के लहू के नीचे आके हमारे पापों को कबूल करते हैं, हम नए जीवन में स्थित होते हैं। हम बपतिस्मा के द्वारा प्रभु यीशु के साथ गाड़े जाते हैं और उन्हीं की तरह हम नए जन्म में प्रवेश करते हैं। अगर हम सोचे तो हम ये सोचे कि हम प्रभु की एक बाड़ी है, उसमें हम एक बीज की तरह रोपे है जो धीरे धीरे होके बड़ा होता है। जब नया जीवन मिलता है तो हमारा सब कुछ चेंज हो जाता है, हमारा पूरा मन, हमारी सोचने की ढंग, हम जैसे लोगों के साथ जैसे बिहेव कर रहे होते हैं, जैसे लोगों के साथ रहते हैं, हम रूटीन में जैसे रहते हैं, पूरा दिन हमारा जिस तरह से निकलता है वो सब कुछ चेंज हो जाता है, क्योंकि अब हम परमेश्वर के हैं और हमारा ध्यान जो होता है वो परमेश्वर की तरफ होता है। आज ही एक वीडियो मैंने देखी जिसमें था कि जब हम संसार में होते हैं तो शैतान का एक मैग्नेट है, एक चुंबक है जो हमें पकड़े हुए होता है, पर जब हम हमारा चेहरा परमेश्वर की तरफ करते हैं तो परमेश्वर का चुंबक होता है, परमेश्वर का जो मैग्नेट होता है वो हमें उसकी तरफ खींचता रहता है। परंतु शैतान के मैग्नेट भी हमारे चारों ओर होते हैं जो अपनी तरफ खींचने की कोशिश करते रहते हैं। हम जितना पास परमेश्वर के जाएंगे उतना ही शैतान का जो मैग्नेट है वो कमजोर होता जाएगा। तो इसी तरह से जब हम नए जीवन में चलते हैं तो परमेश्वर के मैग्नेट की तरफ हम खींचे जाते हैं, और जिस तरह से परमेश्वर थे, प्रभु यीशु ने जिस तरह का जीवन जिया, उसी तरह का जीवन हम जीना चालू करते हैं। हमारा मन परमेश्वर की ओर लगा हुआ रहता है और हमारा जीवन जो होता है वो भी जैसे प्रभु यीशु जी रहे थे उसी तरह का हम जीने की कोशिश करते हैं। हमारे सारी कामों से हम परमेश्वर को महिमा देते हैं। पहले तो हम ऐसे थे कि जो खुदी की बातों को हांकते रहते थे, खुदी का जीवन खुदी के लिए जीते थे, परंतु अब परमेश्वर के लिए जीते हैं। पहले हम सारे सोशल मीडिया पे बस अपने ही फोटो लगाया करते थे, अपने ही बातें करते थे, हमने क्या किया, हम क्या कर रहे हैं, बस पूरा दिन हम खुदी के लिए जीते थे। परंतु जब प्रभु यीशु ने हमें चुन लिया तो हम परमेश्वर के हो जाते हैं, हम वचन की बातें करते हैं, हम परमेश्वर के वचनों की गहराइयों को समझते हैं, हम परमेश्वर के लोगों के साथ जुड़े रहते हैं और हमारा जीवन जो होता है, जो हम रूटीन में कर रहे होते हैं उससे पूरा अलग हो जाता है। हम लोगों से प्यार करना सीखते हैं, जो हमारा बुरा कर रहे हैं उनसे भी हम प्यार करते हैं। हम धीरज सीखते हैं, पहले तो बहुत जल्दी जल्दी में सब कुछ करना होता था, किसी भी रास्ते से हमें कुछ ना कुछ पा लेना होता, परंतु अब हम धीरज से काम करते हैं, परमेश्वर की बाट देखते हैं। जिस तरह से परमेश्वर अपना दरवाजा खोलता है उस तरह से उसी तरफ जाने की कोशिश हम करते हैं। जैसे एक नया बीज तो कैसा होता है, नई चीज कैसी होती है जिसमें दाग नहीं होता, जो एकदम चमकती रहती है, जो एकदम ताजा होती है, उसी तरह का जीवन हमारा भी हो जाता है। हमारे माँ बाप, हमारे आसपास के लोग सब देखते हैं कि ये तो पूरा चेंज हो गया है, पूरा बदल गया है। प्रार्थना का जीवन हम में प्रवेश करता है, क्योंकि पूरे दिन जो हम वेस्ट करते हैं, गेम खेलते हैं और इधर उधर जाते हैं, अपने दोस्तों के साथ समय व्यतीत कर रहे होते हैं, हमारा जीवन अब तक बर्बादियों में होता है, पर अब हम घुटनों पे आना सीख गए होते, परमेश्वर के साथ समय बिताना हम सीख गए होते हैं, प्रार्थना में रहते हैं और परमेश्वर की बातों की तरफ अपना ध्यान हमने फेर दिया होता है। जब भी हम लोगों को क्षमा करते हैं तब हम और ज्यादा परमेश्वर के प्यार को फील कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि हम बार बार पाप करके परमेश्वर के पास आए, कितने ही बार हमने परमेश्वर के विरुद्ध गुनाह किया, पर फिर भी परमेश्वर ने हमें माफ किया है। और जब हम किसी को माफ करते हैं तो वही फील हमें वापस आती है कि जब परमेश्वर हमें कितनी बारी माफ करता है तो हम लोगों को हमारे लिए माफ करना कितना मुश्किल होता है। हम जो भी कर रहे होते हैं उसमें पहले हम पापों को गलतियां समझते, हम उसको अपनी भूल समझ के उसको टाल देते, पर जब हम नया जीवन में प्रवेश करते हैं तब पाप को हम पाप ही गिनते हैं, व्यभिचार को हम व्यभिचार ही गिनते हैं, किसी के तरफ हम बुरी नजर करते हैं तो उस चीज को हम व्यभिचार ही गिनते हैं, उसको हम भूल है या हमारी कोई गलती है ऐसे नहीं समझते। हम परमेश्वर के वचन की तरफ और ज्यादा सतर्क हो जाते हैं, और ज्यादा जागृत हो जाते हैं, परमेश्वर का मन को हम और करीब से पहचानने लगते हैं। क्यों? क्योंकि अब तो हम परमेश्वर की बाड़ी के लोग हैं, परमेश्वर के बाड़े में हम रहते हैं और परमेश्वर जो
जो हमारा खुराक है, जो परमेश्वर हमें सींचता है, जो हमें पानी देता है, जो हमें बड़ा करता है, वो हमारा पिता है। पहले तो हम दूसरों की चीजें देख के जब अट्रैक्ट हो जाते थे तो उसको गलत समझ के उसको छोड़ देते थे, पर अब समझ आता है कि परमेश्वर की ये तो आज्ञा है कि तुम्हारे पड़ोसी की चीज से तो अट्रैक्ट ना हो, वो पाप है। वो अब हम समझते हैं, ये कुछ नया जीवन है, ये हम समझने लगते हैं। जैसे जैसे हम आगे जाते हैं ऐसे ऐसे बहुत सारी चीजें हमें ऐड होती जाती है। जैसे हम पहले तो एक बीज होते जो जमीन के अंदर गाड़ा गया होता है, धीरे 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 करके वो एक पेड़ बन जाता है। पर ये सारी प्रक्रिया बहुत धीरे धीरे होती है, जिसमें कोई आवाज नहीं होती है। धीरे धीरे वो बीज फूटता है, उसमें से एक छोटा पेड़ निकलता है, फिर उसमें से बड़ा पेड़ होता है और उसमें फूल आते हैं, उसमें फल आते हैं और उस पौधे को धीरे 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 करके बड़ा वृक्ष हो जाता है। इस पूरी प्रोसेस में कहीं आवाज नहीं होती, पर जब वो बड़ा होता है तब लोग उसको देखते हैं, उसके फलों के द्वारा वो पहचानते हैं कि ये कौन सा पेड़ है। केवल पत्तों की तरफ से और केवल फूलों की तरफ से और उस पे जो फल लगे होते हैं उससे लोग पहचान जाते हैं कि ये किस चीज का फल, किस चीज का वृक्ष है। ये एक धीरज का काम है। जैसे हम अगर प्रभु यीशु का जीवन देखे तो 30 सालों तक प्रभु यीशु ने क्या किया उसकी बहुत कम जानकारी है हमारे पास। पर 30 साल तक प्रभु यीशु अपने घर में अपने माँ बाप के साथ रहते थे, और जिस तरह से माँ बाप के साथ रहना चाहिए, जिस तरह से कुटुंब में रहना चाहिए, जिस तरह से जगत को रहना चाहिए, वो प्रभु यीशु ने पूरी तरह से अनुभव किया। और ऐसा नहीं है कि जब प्रभु यीशु ने अपनी सेवा चालू करी तभी परमेश्वर उससे खुश थे, परंतु जब पहली बार प्रभु यीशु पब्लिक के मध्य में आते हैं तब परमेश्वर उनके लिए बोलता है कि ये मेरा प्यारा बेटा है और इससे मैं खुश हूँ, जबकि उन्होंने अभी सेवकाई अपनी चालू भी नहीं करी हो। हम भी आज कोई जल्दी नहीं कर। प्रभु यीशु 30 सालों तक अपने सही समय के लिए वेट करते रहे। जब सही समय आया तब परमेश्वर ने उनके लिए कहा कि ये मेरा प्यारा बेटा है और इससे मैं खुश हूँ। परमेश्वर हमें नया जीवन देख के तैयार करता रहता है, जिस काम के लिए उन्होंने हमें बुलाया है उस काम के योग्य हमें बनाते रहते हैं। ये परमेश्वर का धीरज है। धीरज से काम ले, कहीं दौड़ा दौड़ ना करे, कहीं भागा भाग ना करे, कहीं भी जल्दी ना करे कि परमेश्वर के लिए हमें काम करना है। परमेश्वर अपने समय पे आपको जरूर बुला, क्योंकि हम चुने गए हैं तो चुने हुओं के लिए परमेश्वर ने जरूर काम रखा हुआ है। योग्य समय की जरूरत है, सही समय पे परमेश्वर खुद हमें खींच के ले जाते। बस परमेश्वर को अधीन रहे, ये ना हो कि हम उस बाड़े में से बाहर निकल जाए, परंतु परमेश्वर को संपूर्ण रीति से अधीन हो, जिससे कि वो हमारे में से फल लेके आए। फल लाना, काम करना हमारा काम, और परमेश्वर अपनी सामर्थ्य देके हमें फल लाने में मदद। परंतु परमेश्वर हमें कब मदद करेगा? जब हम परमेश्वर के साथ जुड़े होंगे, जब उसके बाड़े में होंगे, जब हमारा जीवन नया जीवन पाने के बाद नया जीवन रहा होगा तब। क्योंकि कई बार हम नया जीवन पाने के बाद भी उसी जगत में वापस जाने की इच्छा रखते हैं, उसी तरह के काम करते हैं। पहले तो हम दोनों डिफरेंस को समझ सकते हैं कि कौन सा पुराना है कौन सा नया है, परंतु जैसे जैसे समय बीतता जाता है, जैसे जैसे हम और आगे आगे बढ़ते जाते हैं, वैसे वैसे हम कई चीजों में कॉम्प्रोमाइज करने लगते हैं। हम नया जीवन और पुराना जीवन का जो डिफरेंस होता है उस डिफरेंस को बहुत बारीक कर देते हैं। इसलिए परमेश्वर हमें लंबे समय तक तैयार करता है, जिससे कि हम जब भी दूसरे लोगों के पास जाए, जगत में जाए, तब हमारा नया जीवन है वो लोगों को नजर आए। ये नहीं कि हम में और जगत के लोगों में कोई डिफरेंस ना हो, ऐसा ना हो। इसीलिए परमेश्वर हमें धीरज देता है, धीरज से परमेश्वर हमें तैयार करता है अपने काम के लिए, क्योंकि परमेश्वर का काम करने के लिए वो पवित्रता जरूरी है। परमेश्वर का काम करने के लिए वो धीरज, वो प्यार, वो सहनशीलता जरूरी है। इसीलिए परमेश्वर हमें फल देने से पहले, हमारे में से फल निकालने से पहले, हमें काम देने से पहले परमेश्वर बड़ी शांति से हमारे से काम लेता है। परमेश्वर बड़ी शांति से हमारे जीवन में काम करता है, हमारा जीवन इतना पक्का कर देता है कि कभी वापस हम शैतान के चंगुल में फंस ना जाए, कभी भी हम वापस अपने पुराने जीवन में घुस ना जाए, कभी वापस हम उसी तरह का जीवन जीने न लगे। इसीलिए परमेश्वर ने हमें चुन लिया है, तो चुनो हुए की तरह अपना जीवन रहे कि नहीं, वो हर रोज हम चेक करते रहे, हर रोज हम देखते रहे कि पुराना जीवन और नया जीवन में वो जो डिफरेंस था, जो भेद था, जो डिस्टेंस था, वो आज भी है क्या। हर रोज सुबह प्रभु यीशु के लहू में गुजर के अपने आप को हर रोज नया करे, जिससे कि दिन भर में जो भी हम बोले, जो भी हम काम करे, जिससे भी हम बिहेवियर करे, जिससे भी हमारी बातचीत हो, जो भी हमारे विरुद्ध में हो, उन सभी से हम प्यार से, मोहब्बत से और जिस तरह से प्रभु यीशु जिए उसी तरह से हम जी पाए, इसके लिए हम प्रभु की कृपा ग्रहण कर पाए। सुबह का समय प्रभु यीशु के साथ बिताना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसके बाद तो हम लोगों के साथ, जगत के साथ और जो बातें बाहर है वहाँ पे हम जाने वाले ही है। परंतु परमेश्वर की कृपा में आने के बाद, पवित्र होने के बाद ही हम बाहर स्टेप करें, ये ज्यादा जरूरी है। परमेश्वर ने हमें काम दिया है और उस काम के योग्य हमेशा
बने रहे, परमेश्वर की हजूरी में खड़े रहने के योग्य हमेशा बने रहे, तभी हम फल लाने के योग्य रहेंगे, तभी परमेश्वर की कृपा से हमारे जीवन में काम होगा। ये नहीं कि हम अपने अफोर्ड्स लगा के बस हर रोज दौड़ते रहे और फल लाने के लिए हम जूझते रहे, परंतु जब हम परमेश्वर को अधीन होंगे, परमेश्वर की कृपा में रहेंगे, जब हम नहीं परंतु परमेश्वर जब खड़ा रहेगा, तब फल जरूर 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 आएंगे। हम फिर से अपने आप को नए जीवन के लिए समर्पित कर दे और प्रभु अपना काम जरूर करे। आइए परमेश्वर के चरणों में। ऐ हमारे पिता, आपने हमारे लिए अपना खून बहा के, अपना लहू बहा के हमें नया जीवन दिया, और जिस नए जीवन के द्वारा प्रभु हम आपके बाड़े में आ गए, और आपने हमारे पिता ने हमको सींच के हमें बड़ा किया, अपनी सेवकाई के लिए आपने हमें तैयार किया। प्रभु नए जीवन में चलने के लिए हमें पूरा सामर्थ्य दीजिए, हमें हर जगत के बाबतों से, हर जगत के अट्रैक्शन से, हर जगत की लुभावनी चीजों से हमें बचा के रखो, जिससे कि नया जीवन हमेशा नया रहे और हम हमेशा शुद्ध रहे और आपके पवित्र चरणों में हम अपने आप को प्रस्तुत कर सके, इसके लिए हम हमेशा योग्य रहे, ऐसी कृपा होने दो प्रभु। प्रभु यीशु के नाम से हम चाहते, प्रभु सुनिए और ग्रहण। आमीन।